संजू सैमसन को लेकर कप्तान हार्दिक पांड्या का आया दिल छू लेने वाला बड़ा बयान। जी हाँ दोस्तों, आखिरकार कप्तान हार्दिक पांड्या ने संजू सैमसन को लेकर दिया है कौन सा बड़ा बयान, बताएंगे आज के इस बेहद ही खास वीडियो में आगे। लेकिन इससे पहले अगर आप भी संजू सैमसन को एक विस्फोटक विकेटकीपर बल्लेबाज मानते हैं तो इस वीडियो को दिल से एक लाइक कर दीजिए, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। भारत और न्यूजीलैंड के बीच 3 मैचों की T20 आई सीरीज खत्म हो चुकी है। आपको बता दें कि भारतीय टीम ने इस 3 मैचों की T20 सीरीज को 1-0 से अपने नाम कर लिया है। पहला मुकाबला बारिश की वजह से रद्द कर दिया गया था, जबकि दूसरे मुकाबले में भारतीय टीम ने न्यूजीलैंड को 65 रनों से हरा दिया। तीसरा T20 मुकाबला काफी रोमांचक स्थिति पर आकर खड़ा था, लेकिन बारिश के चलते इस मुकाबले को आखिरकार टाई घोषित कर दिया गया और इस तरह से भारतीय टीम ने 3 मैचों की T20 सीरीज 1-0 से अपने नाम कर ली है। आपको बता दें कि दूसरे T20 मुकाबले में ऋषभ पंत का बेहद ही खराब प्रदर्शन था, जिसके बाद ये कयास लगाए जा रहे थे कि तीसरे T20 मुकाबले में कप्तान हार्दिक पांड्या संजू सैमसन को भारतीय टीम के प्लेइंग 11 में जरूर शामिल करेंगे। लेकिन एक बार फिर से हार्दिक पांड्या ने तीसरे T20 मुकाबले में संजू सैमसन को मौका देना उचित नहीं समझा। उनकी जगह ऋषभ पंत को ही भारतीय टीम के प्लेइंग 11 में शामिल किया गया। ऋषभ पंत एक बार फिर से फेल साबित हुए हैं। अब कप्तान हार्दिक पांड्या ने तीसरे T20 मुकाबले के खत्म होने के बाद संजू सैमसन को लेकर बड़ा बयान दिया है। आपको बता दें कि हार्दिक पांड्या ने कहा है कि संजू सैमसन को भले ही T20 सीरीज में खेलने का मौका न मिला हो, लेकिन संजू सैमसन वनडे मुकाबलों में भारतीय टीम के प्लेइंग 11 का अहम हिस्सा बनने वाले हैं। यानी कि हार्दिक पांड्या ने कहा है कि संजू सैमसन न्यूजीलैंड के खिलाफ होने वाली वनडे सीरीज में भारतीय टीम के प्लेइंग 11 का हिस्सा होंगे, जो कि संजू सैमसन के फैंस के लिए किसी बड़ी खुशखबरी से कम नहीं है। आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर कीजिए। अपना बहुमूल्य समय देने के लिए धन्यवाद।